शिवम। क्या होता है अंधविश्वास और क्या होती है सच्चाई? तंत्र मंत्र के मामले में, धार्मिक आस्थाओं के मामले में ज़्यादातर इंसान यह कहता है कि यह सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं या अंधविश्वास है। आज हम थोड़ा अंधविश्वास और विश्वास के बीच की एक बारीक रेखा को देखने की कोशिश करते हैं। अंधविश्वास होता क्या है? अंधविश्वास वह अवस्था का नाम होता है जब इंसान के पास कोई विकल्प नहीं बचता तो वो किसी चीज पे आँख बंद करके विश्वास करता है और यह सोचता है कि चलो यहाँ से कुछ हो जाए। कुछ लोग कहते कि भगवान शिवजी के ऊपर जो जल चढ़ाते हैं या दूध चढ़ाते हैं तो उससे अच्छा गरीब को खिला दो या गरीब को पिला दो। हमने ये अलग अलग थ्योरियाँ बना रखी है। क्या कभी आपने सोचा है कि जो ये लोग बोलते हैं कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हो तो शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की जगह है हम गरीबों को खिलाएं? जब हम देखते हैं तो जो ये बातें कहते हैं वो स्वयं शिवलिंग पर जल चढ़ाने दूध चढ़ाने जाते हैं, तब वह यह नहीं कहते कि यह गलत है। हर कोई राय दे सकता है पर जब स्वयं की बात आती है तो वो भी विश्वास अंधविश्वास के बीच में वह कार्य कर देता है। जैसे मैं एक साधारण सा उदाहरण देता हूँ। अभी मेरे एक परिचित थे, उन्होंने एक डॉग पाल रखा था। तो उनके पास एक बार एक लड़का आया, उनसे कहता कि देखिए आप इसके जब बच्चे हों तो उन्हें बेचेगा मत, ये पाप होता है पुण्य होता है, आप ऐसा मत करेगा। और कुछ दिनों के बाद जब मैंने देखा तो वह व्यक्ति स्वयं मार्केट से कुत्ते का बच्चा खरीद लाया। तो मैंने उससे पूछा कि बताओ तुम तो कल कह रहे थे कि यह कुत्ते के बच्चे ना पैदा करना और ना बेचना ये पाप पड़ता है, अब तुम जो खरीद के लाए हो वो क्या पाप है या पुण्य है? तो यहाँ पे चीज़ें हमको समझना चाहिए कि जब स्वयं की बात होती है तो हम उन चीज़ों को कभी नहीं दोहराते। जैसे लोग कहते जीव जंतु की रक्षा करना चाहिए, पर बड़ी बड़ी होटलों में जब मटन बन रहा है खाना बन रहा है तब कोई होटलों के आगे जाके विरोध नहीं करता है। विरोध कब करेंगे? गरीबों के सामने, उसके सामने करेंगे जो कुछ भी विरोध नहीं कर सकता है। क्या हमने कभी भी सुना कि 5-स्टार होटल के सामने लोगों ने विरोध करा? कोई नहीं करेगा, तब जीव जंतु नहीं करते, तब वहाँ एक VIP चीज़ है और गरीब के घर कट रहा है तो ये पाप होता है। इसीलिए अंधविश्वास के चक्कर में इंसान भटकता रहता है। आस्था जब पूर्ण हो जाती है तो उसे कठोर विश्वास कहा जाता है। अंधविश्वास उसे कहा जाता है जब हमें किसी चीज़ का पता ही नहीं और हम आँख बंद करके किसी चीज़ के अंदर जुड़ गए और चले जा रहे हमें यही नहीं पता चल रहा कि हम जा किस रास्ते पर है, उसे अंधविश्वास कहा जाता है। किसी चीज़ पे पूर्ण विश्वास रख के कार्य करने को विश्वास ही कहा जाता है, उसे अंधविश्वास नहीं कहा जाता है। लोगों ने अपनी अपनी मानसिकता के अनुसार विश्वास और अंधविश्वास की प्रणाली बना ली है। कोई है या नहीं है आप इस चीज़ को साबित कभी नहीं कर सकते, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी अपनी मानसिकता के अनुसार विश्वास और अविश्वास या अंधविश्वास की थ्योरी बनाता रहता है। जब स्वयं की बात आती तो पढ़ा लिखा बताता है, और जब स्वयं पे दिक्कत आती तो वही जो अंधविश्वास की बातें करता था अब वो विश्वास लेके वही काम करने जाता है, पूजा पाठ कराने जाता है, तंत्र मंत्र की क्रियाएं कराने जाता है। और जब व्यक्ति के खुद ही बच्चे साधना करते हैं तो कहा जाता है कि अंधविश्वास है, पाखंड है। तो हमें यही देखना पड़ेगा, जब स्वयं की बात आती तो अंधविश्वास विश्वास सब एक हो जाता है, और जब दूसरे की बात आती तो ये अंधविश्वास है, पाखंड है, यही कहा जाता है। शिवम।